जीवन में कोई शौक नहीं रखा ज्यादा, कोई शौक नहीं जीवन में किए, हमने बचपन में ये सोचा था कि हम कुछ काबिल बनेंगे, योग्य बनेंगे, अपने आप को योग्य बनाने में समय लगाओ। फैशन पर ये घूमते रहते ना बच्चे, समाज में आप सब जानते हैं, देखते हैं। आपकी कीमत तब होगी जब आप योग्य होंगे, समाज आपकी कद्र तब करती है जब आप में कुछ काबिलियत हो। कुंती बुआ ने दुख मांगा क्योंकि दुख जीवन में आना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि दुख आएगा तो मजबूत होंगे और दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, दुख में ईश्वर से संबंध जुड़ता है, और सुखी हो जाए तो भगवान से संबंध टूट जाता है, क्योंकि सुखी आदमी भगवान को देखता नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। कुंती बुआ ने कहा दुख दे दो, भगवान ने कहा प्रभु मैं दुख नहीं दे सकता, भगवान ने कहा मुझे ही ले लो, भगवान ने अपने आप को दे दिया। भगवान दुख नहीं देते कभी किसी को। अच्छा दुख कौन देता है? अच्छा आपके जीवन में जो दुख आता है वो दुख देता कौन है आपको? आपको दुख कौन देता है? कौन? मैया, ओ मेरी माँ, आपके जीवन में जो दुख आता है लोगों के, उस दुख को देता कौन है? कौन दुख देता है? भगवान देते हैं। क्यों? भगवान के आपसे कोई दुश्मनी है? मैया बता दुख कौन देता है? हाँ भगवान। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी होगी फिर पर्सनल? तब तो आपको दुख देते हैं। देखो आप लोग भगवान को कितना आरोप लगाते हैं, आप भगवान को कितना गलत बताते हैं। भगवान ने दुख दिया, वाह। आप अपनी बहू से कह दो ना कि तेरे कारण ये हुआ, तो बहू लड़ बैठेगी आपसे। बहू सास से कह दे कि बुढ़िया तेरे कारण ये हुआ, तो सास चढ़ बैठेगी छाती में। और आप लोग दिन रात चिल्लाते भगवान तुम्हारे कारण हुआ, तो मैं भगवान को गुस्सा नहीं आता होगा? व्यर्थ में ही मुझे झूठा आरोप बना लगा रहे हो तुम लोग। भगवान ने दुख दिया, काहे दुख दिया भगवान ने? मैया आपको दुख किसने दिया? हाँ आप पीछे वाले बताओ, दुख कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते, आपके अपने बुरे कर्म आपको दुखी करते हैं। भगवान क्यों किसी को दुख देंगे भले बताओ? जज क्या किसी को फांसी की सजा देता है? बोलो। आपने कहा हां फलाने को फांसी की सजा जज ने दी, ना, जज ने तो केवल अपना जजमेंट दिया है, फांसी की सजा जज ने नहीं, जज ने तो अपना कार्य किया, जज की उस अपराधी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उस अपराधी के बुरे कर्मों ने उसे फांसी तक पहुंचाया। अपराधी को फांसी की सजा किसने दी? उसके अपने बुरे, तूने गलत काम किया क्यों? अब गलत नहीं किया होता तो जज को कोई रोग छोड़ी है कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाएगा? बोलो, हाँ या ना? तो जज कभी किसी को फांसी नहीं देता, जज तो केवल अपना जजमेंट रखता है, उसकी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है पर्सनल कि किसी को फांसी की सजा देगा, बस आपके गुनाह आपको फांसी तक पहुंचाते हैं, आपके बुरे कर्म आपको फांसी, और आप क्या कहते हैं जज ने फांसी नहीं, जज ने तो अपना काम किया। ईश्वर जज है, जो आप कर्म करते हैं बुरे, उन बुरे कर्मों का दंड देता है ईश्वर, दंड विधान तय करते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने गलत किया इसलिए आपके जीवन में गलत हुआ, आपने दुख दिया इसलिए आपको दुख मिला, आपने किसी को दुख दिया क्यों?
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। भगवान को बुरा ना कहो।